अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स और सलाम अखबार। पिछली वीडियो के अंदर मैंने मुमताज भाई साहब का सेटअप दिखाया था जो कि इनका नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है और ये इनका टॉप फ्लोर का सेटअप है। आए इनसे जानते हैं और माशाल्लाह वैसे तो मैं एक्सिक्यूटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ और ये जो है रीजनल डायरेक्टर ऑफ कराची है। बाकी माशाल्लाह यहाँ पे इन्होंने डंसलों के मोटली पे रूपल पे आए हुए आए आपको दिखाते हैं उनके मुलाकात और इनका भी कहते हैं। सरदार भाई अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कीमती वक्त दिया और आई हार्ड एंड बाई टोल्ड कि मैं आपसे बहुत शुक्रिया। अलहमदिल्ला इस सेटअप के ऊपर मेरा ज़्यादातर डेंटलोज की कलेक्शन है, अकवा की कलेक्शन है, डेंटलोज की कलेक्शन है, जो एक थोड़े से रही कलेक्शन है ना मैं ज़्यादातर यहाँ पर इसको ब्रेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर एटमोसफेयर मुझे अच्छा मिल जाता है, सनलाइट भी मुझे मिल जाता है और ओवरऑल जितनी एयर फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है और जितनी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ पर वो अपने हायर एंड बल्ब यहाँ पर मैं देखता हूँ। आए यहाँ से अभी स्टार्ट करें, यहाँ से देखें आप, ये मेरा माशाल्लाह से सबसे पुराना डेंटफेलो का पेयर है। वायलेट डेंटफेलो का इसमें कॉकबर्ड है, इसमें ब्लू फिशरी, स्प्लिट डेंटफेलो की हेन है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म की ये और दो क्लच लेने के बाद इसके बॉक्स मैंने बंद किया था। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी एक मेरा डेंटफेलोज है जो पॉसिबल डेंटफेलो था, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंफर्म स्प्लिट डेंटफेलोज है। इसमें पार्क ब्लू और पॉसिबल स्प्लिट ऑफ लाइन और स्प्लिट डेंटफेलो का मेल है और इसमें ब्लू फिशरी स्प्लिट डेंटफेलो की हैंड। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा सबसे पुराना पेयर डेंटफेलोज का जिसे मैंने अपना लाइन क्रिएट किया, शायद पीछे आपको रोशनी आ रही होगी तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसके अंदर जो मेल बर्ड है ना वो ब्लूटूथ है और स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है और स्प्लिट डेंटफेलो की स्प्लिट डेंटफेलो उसके साथ ब्लू फिशरी स्प्लिट डेंटफेलो की फीमेल है। तो ये मैं हमेशा स्प्लिट टू स्प्लिट पेयरिंग किया हूँ ताकि मैं अपना लाइन और अपना ब्लड डेंटफेलो का स्ट्रॉन्ग कर सकूं। उसके बाद फिर मैंने आगे इस विजुअल टू स्प्लिट पेयरिंग किया। आए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक और पेयर, ये ऑफलाइन डेंटफेलो की मेरी आप चाहें तो देख सकते हैं, पार्बलो ऑफलाइन डेंटफेलो की हेन है जो माशाल्लाह इस पर एक्स पर बैठी है और उसके साथ ब्लू वायलेट पिछली स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डेंटफेलो का मेल बैठी मेरे पास में। हाँ इसी तरीके से एक पेयर यहाँ भी देख लें, नीचे बैठे ये भी माशाल्लाह से अब मेरी अपनी होम ब्रीड है। अब मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पार ब्लू ऑफलाइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा पॉसिबल बर्ड था बट ये आफ्टर ब्रीड मैं ये कंफर्म हो गया कि स्प्लिट डेंटफेलो कंफर्म है। इसके साथ मैंने ब्लू और डेंटफेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे मेरे पास विजुअल बर्ड भी आ चुके हैं और मैं इसको ऐसा टेस्ट ब्रीड लिया था कंफर्मेशन के लिए मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा स्प्लिट डेंटफेलो क्लियर है। इसके बाद आगे मुमताज़ भाई क्या दिखा रहे हैं आप? आए मैं आपको डेंटफेलो का कुछ बच्चे दिखा देता हूँ, अब माशाल्लाह से आप चाहें तो देख सकते हैं। अब ये देखें ये पार ब्लू डेंटफेलो है, माशाल्लाह ये उसी ब्लू फिशरी का बच्चे हैं, बेबीज है जो बी टूथ है। अब तो देखें मेन चीज़ है मैंने इसके कलर के ऊपर काम किया, इसके साइज़ के ऊपर काम किया, इसके बिप के ऊपर काम किया, ठीक है। डेंटफेलो जितने डार्क पिपरनेशन कलर्स के अंदर हो गए उतने ही अच्छे खूबसूरत बर्ड है। तो ये मेल बनेगा तो स्प्लिट ऑफलाइन भी होगा, पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन। इसके साथ एक बर्ड और है ये ब्लू फिशरीज है, पार ब्लू है, ये पॉसिबल स्प्लिट डन है, ठीक है। अब मेरे पास ऑलमोस्ट इस वक्त तीन बर्ड पॉसिबल क्लिक कर गया जो स्प्लिट डेंटफेलो कन्फर्म हो गया। तो सम टाइम अपने पास पॉसिबल बर्ड रख के ब्रीड कराना और आपको वो अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। आज मैं अब आपको कुछ अकवा की बर्ड दिखाता हूँ, उसकी ब्रीड भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये देखें ये बर्ड देखें आप माशाल्लाह से, ये होमोजोगट अकवा का बर्ड है, इसके अंदर हैन है। उसके साथ B1 B2 पार्लू ऑफलाइन का इसमें कॉक बर्ड लगाया मैंने, माशाल्लाह इसके भी ब्रीड मेरे पास आ चुकी है और पहले क्लच में इसने मुझे चार चिक दिया और मैं यहाँ इसके चिक कहीं और मैंने डाला हुआ है। तो ये फर्स्ट ब्रीड थी तो मैंने कहा इसको चिक को मैंने मैनेज कर देता हूँ तो मैं इसके चिक मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसके चिक को, ये देखें इसके अंदर दो बर्ड मुझे B1 अकवा मिला है और एक बर्ड मुझे B2 अकवा मिला, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ चार चेक का। तो दो बर्ड मुझे B1 अकवा मिला और एक बर्ड B2 अकवा मिला, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
वो ये बर्ड है, अभी से मैं इसको कंफर्मेशन दे रहा हूँ, मगर ये एक अभी छोटा है, मगर तब भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो और मजीद कंफर्मेशन हो जाएगा। यहाँ भी मेरे पास एक बर्ड लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि B2 अक्वा फिशरी, उसके साथ साथ मैंने मेल लगाया हुआ वायलेट फिशरी, B2 अक्वा का स्प्लिट ओपलाइन का मेल, और ये स्प्लिट पेल फेलो भी है, और उसके साथ साथ मैंने एक पार्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की हेड लगाई, जो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दो रेड आइज बच्चे आ गए। अब होपफुली अक्वा पेल फेलो ओपलाइन मेरे पास प्रोड्यूस हो जाए, वो इसमें ये रहे बच्चे माशाल्लाह से, अब देख सकते दो रेड आइज बच्चे इसके अंदर मेरे पास आ गए। एक छोटी सी काविश थी, एक छोटी सी थॉट थी कि पेल फेलो ऑफलाइन अकुआ के पर काम करूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल मैंने प्रोड्यूस कर लिया। तो यहां पर मेरे पास ऑलमोस्ट 7 पेयर अकुआ का लगा हुआ है, और मज़ीद दिखाने चाहूं तो आपको दिखा सकता है, एक और दिखा दूं ताकि ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अब ये देखें, ये बर्ड मेरे बाहर आ चुके हैं, ये इस वक्त अभी लाइन पर आएंगे। B2 अकुआ इसमें है ना, उसके साथ सिलेटी B1 B2 पार्लू अप्लाई मेल मैंने लगाया, मैं सिलेटी अकुआ की, ये मेरी वर्किंग बर्ड है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मेरे जो अच्छे पेल फेलोज की वर्किंग का बर्ड है, जो मैं चाहूँगा मैं आपको दिखाऊँ। सबसे पहले ये डाइल्यूट देख लें आप, ये डाइल्यूट मेरा ऑलमोस्ट तकरीबन 3 साल का बर्ड है, ये 3 साल से मेरे पास भेड़ आ रहे हैं, ये विजुअल डाइल्यूट तो विजुअल डाइल्यूट लगाए हैं, और माशाल्लाह तो होपफुली बहुत अच्छे शानदार मुझे इसका रिजल्ट मिला है। आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम मैं आपको एक पैरेट ऑफलाइन दिखा रहा हूँ, ग्रीन सीरीज के अंदर जो B1 B2 है, ये देखें ये पैरेट ऑफलाइन है, माशाल्लाह से एक्स्ट्रा बैठी हुई है, B1 B2 पैरेट ऑफलाइन है। इसके साथ मेल मैंने लगाया हुआ है ग्रीन पैलेट स्प्लिट ऑफलाइन B1 B2 का मेल, इस मेल को मैंने 2-3 डिफरेंट फीमेल के साथ अप्लाई किया हूँ, एक फीमेल यहाँ पर मैं लगाया, आप चाहें तो देख सकते इसमें बच्चे भी आए हैं, ये देखें माशाल्लाह से 2 विजुअल पैलेट के बच्चे भी आए हैं, दोनों ब्लू ट्रीज में आया है, ये देखें अब दो अभी एक पड़ा है, ये ब्लू पैलेट है। इसी तरीके से मैं अब आपको एक पेल फेलोज का पेयर दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ भी माशाल्लाह से ये देखें, ये इसके चिक्स देखें, इसकी क्वालिटी चेक करें बच्चे की, ये छोटी सी बेबीज है, और माशाल्लाह से इसने ब्लू ग्रीन पार्क ब्लू सब नहीं करते, मोस्टली आप मेरे पास ये बर्ड ब्लूटूथ की वर्किंग है, जिसमें जो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है B2 उसके साथ वायलेट फिशरी और वायलेट विजुअल पेल फेलो ऑफलाइन मैंने इसके साथ है, क्वालिटी और बर्ड की साइजिंग वो आपके सामने ही देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिमिनो इसके बाद मुताबिक ये सब क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ तेल है, कुछ ऑफलाइंस है जो स्प्रेड टाइम के स्प्रेड पेंसिलोज है, कुछ तेल ऑफलाइंस है, यहाँ पर मेरे पास सारे पॉसिबल और स्प्रेड पेंसिलोज है जो मैंने अगले साल के लिए होल्ड किया है, यहाँ पर कुछ अल्बाइनोज ऑफलाइन है, क्रिमिनोज ऑफलाइंस है, और यहाँ पर कुछ डन फेलोज के स्प्लिट है, कुछ विजुअल डन फेलोज है मेरे, ये तो ये एक छोटी सी ये पार्ट ब्लू ऑफलाइन डन फेलोज है मेरा, ये सामने जो बैठा हुआ आपके सामने ही है, इसके साथ ब्लू फिशरी जितने ये स्प्लिट डन फेलोज है, तो ये इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर की मैं वर्किंग ये कुछ होल्ड करके रखा हूँ, तो आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर डन फेलो को येलो फेस के अंदर, अकुआ के अंदर और डिफरेंट बर्ड्स के अंदर मैं स्विच करूँगा। तो अपने लाइन के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, बाहर का बर्ड बहुत कम अवॉइड करता हूँ लेने का, एक बर्ड बाइंग करता हूँ उससे डिफरेंट बर्ड्स के अंदर स्विच करके अपने लाइन क्रिएट करता हूँ। तो मुमताज़ भाई मैं देख रहा था माशाल्लाह ब्लूटूथ अल्बाइनो पे आपने जो है काफ़ी वर्किंग की है, कुछ उसके भी पेयर दिखा दें। सर सबसे पहला ये है मेरा पेयर जो मैंने ब्लूटूथ अल्बाइनो इससे मैंने बनाया, ये देखें माशाल्लाह से, इसमें डेक ऑफलाइन की हेन है, उसके साथ क्रिमिनो और स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, ये क्रिमिनो बेसिकली क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग बर्ड था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर कलर में मेरे पास क्रिमिनो ऑफलाइन, बैकिन ऑफलाइन एंड अल्बाइनोज ऑफलाइन आते हैं मेरे पास। तो ये ब्लूटूथ के साथ साथ जो है ये क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग भी साथ जी, एग्जैक्टली इसके साथ साथ जितने अल्बाइनोज मेरे पास आते हैं वो मैं होल्ड करता हूँ, उसको टेस्ट ब्रीड लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास मोस्टली ऑफ देम बर्ड जो है ना वो ब्लूटूथ क्लियर हो चुका, जो मेरे पास क्रिमिनोज ऑफलाइन वगैरह आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आए एक बर्ड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें डेक ऑफलाइन की मेल है, यहाँ पर
आप यहाँ पर देखें, ये एक टर्क्वाइज ऑफलाइन का मेल है, उसके साथ अल्बाइनो ऑफलाइन की हैन है, ठीक है, जो कि ब्लूटूथ कंफर्म है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्लूटूथ कंफर्म है। तो इसके मैं कंफर्म ब्लूटूथ की वर्किंग क्यों, आप ये देखिए इसमें से बच्चे माशाल्लाह से हैच हो गए हैं, दो बच्चे, एक रेड आइस है एक ब्लैक आइस है, इसमें जितने अल्बाइनो आएंगे वो कंफर्म ब्लूटूथ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सर। इसी तरीके से यहाँ पर भी बर्ड है मेरे, ये भी डेक ब्लू बर्ड है स्प्लिट इनो जो ब्लूटूथ है, उसके साथ मैंने क्रिमिनोस का हैंड डाला है ताकि मैं कंफर्म ब्लूटूथ के लिए, ये भी लिंक पे आके ये बाहर निकल गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर मैंने इसको आगे इन फ्यूचर कंफर्म ब्लूटूथ मेरे पास आ जाते हैं। यहाँ पर ये एक अल्बाइनोज है कंफर्म ब्लूटूथ है जो माशाल्लाह से अकेले ये बच्चे हेल्प भी करती पालती है, इसका मेल को मैं मल्टीपल फीमेल के साथ रिप्लाइज करता हूँ, तो ये भी है। एक पेयर मेरे पास यहाँ पर है जो कंफर्मेशन हो चुका है कि ये ब्लूटूथ बर्ड है मेरे दोनों अल्बाइनो, इसमें से एक बर्ड जो है फीमेल वो कंफर्म ब्लूटूथ है, तो इसलिए ये डिफरेंट मेल दिया ताकि इसे मैं मैक्सिमम क्रिमिनो डेकिनो अवेल कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूटूथ की वर्किंग तकरीबन ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले से मैंने अल्बाइनोज पे किया हूँ, इस साल आप जो जा रहा हूँ पहले फेलोज के ऊपर जा रहा हूँ और कुछ ऑफलाइंस के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बेसिक बर्ड और जो कमर्शियल बर्ड है वो ज़रूरी है इन फ्यूचर, तो उसको साथ साथ लेके, आपने देखा होगा पूरे शेड में नीचे में मेरे पास क्रिमिनो डेकिनो बहुत शॉर्टली है, मगर अल्बाइनो से मेरे पास क्रिमिनो आते हैं सारे। चलें बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई, आपने जो है माशाल्लाह काफ़ी रेयर म्यूटेशन दिखाई हैं, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके पास इससे भी ज़्यादा रेयर म्यूटेशन होंगे इंशाल्लाह। ओके मुमताज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू।